नमस्कार, मैं चौथा चरण में पहुंच चुका हूं ग्वारीजर प्रखंड के बड़ा डुमर हिल पंचायत में। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी अनिता टुडू मौजूद है और प्रचार प्रसार में लगे हैं। चलिए जानते हैं इस पंचायत में जनता भारी मत से जीत दिलाएंगे तो पंचायत के लिए क्या करेंगे, क्या पहला प्राथमिकता होगा, समाज के लिए क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। पंचायत की जनता भारी मत से जीत दिलाएंगे तो पंचायत की जनता के लिए क्या करेंगे आप? पंचायत के सदस्य के लिए हमने यही सोचा है कि अगर मैं जीत जाऊं तो मैं जनता को पूरा सेवा दूँ, और सेवा के बाद जो जो प्रखंड से पंचायत से जो भी क्या कहते हैं फंड आएगा संता जनता के सेवा में लगे रहेंगे। डुमर हिल पंचायत में, बड़ा डुमर हिल पंचायत में कौन कौन से गांव आए हैं, कितना गांव आते हैं, गांव का नाम भी बताइए। धामनी, डुमर हिल, छोटा डुमर हिल, लिटी, चंपापुर, बदरिया, ये बताइए कि इस पंचायत में मूलभूत समस्या क्या है, लोग जनता त्राही माम है मूलभूत समस्या को लेकर क्या क्या है? अभी तो उतना जान नहीं पाए हैं क्या क्या चीज़ है, लेकिन सामने में जो आया है देख रहे हैं कि जहाँ चापाकल नहीं, जहाँ कुआं नहीं पीने के लिए, जहाँ नली नला नहीं, इसी के सिवा में जो हो जाएंगे तो उसको मरम्मत कराएंगे, पानी से पीने का सुविधा देंगे। भ्रष्टाचार के लिए क्या कहेंगे, पंचायत में भ्रष्टाचार बिचौलिया हावी लगभग होता है तो इसमें आप क्या कहेंगे, जीत जाते भ्रष्टाचार कैसे मिटाएंगे पंचायत से? उस चीज़ के लिए हमने सोचा है कि हम अपने स्तर से जो भी यहाँ का गरीब जनता गरीब यह है उसके लिए हम अपने स्तर से उसको व्यवस्था करके और समाधान करें। हमने पहली बार मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं और धामनी का ही दूसरा उम्मीदवार है, अभी भी वो है, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, उसके लिए कुछ नहीं किया अभी तक, और हम उम्मीद लेकर के यही खड़ा हूँ कि मैंने हम आगे पंचायत को आगे नाम बढ़ाएं। आप डुमर हिल पंचायत घूम रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, हर लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपनी समस्या क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या चीज़ से ग्रसित हैं लोग? आज पंचायत के लोग यही हमसे जो है कि हम है पानी निकासने का जगह नहीं है, यही हम समस्या देख रहे हैं। और पशु नाम क्या? वासुदेव सोरेन। और जो प्रत्याशी हैं मुख्य प्रत्याशी? नहीं, हमारे पत्नी है मुखिया। क्या नाम है? अनिता टुड्डू। कौन सा चुनाव चिन्ह है और क्रम संख्या क्या है? क्रम संख्या एक है, चुनाव चिन्ह सेव है। चलिए आपसे अनिता टुड्डू से भी मिलाएं और उसका हस्बैंड से मिलाएं, इसका क्रम संख्या है से छाता जिसको एप्पल कहते हैं, और पंचायत की जनता को यह आश्वासन दिया अगर मैं जीत जाता हूँ बृहद तरीके से पंचायत भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, जो भी समस्या मूलभूत समस्या है पंचायत का दूर करूंगा। कैमरा प्रसाद में दिनकुश कुमार, द फर्स्ट फ्लाइट न्यूज, कोटा। संजय कुमार मंडल। कौन सा गांव से आते हैं? डुमाड़ी से। इस पंचायत का मुख्य समस्या क्या है? इस पंचायत का मुख्य समस्या है कि जीतने के बाद कोई मुखिया नहीं हम लोग को देखते हैं, कोई भी मुखिया नहीं देखते हैं, अपने घर में बैठे रहते हैं और राजा बन जाते हैं। तो पंचायत की जनता को क्या कहेंगे, कैसा मुखिया होना चाहिए जो उसको चुनाव वोट देंगे? जैसे आगे सत्य युग में राजा घोड़ा लेके अपना एरिया घूमता था, जनता को देखता था, उस तरह मुखिया होना चाहिए हमारे यहाँ। ऐसा मुखिया होना चाहिए तब उसको आप वोट दीजिएगा। हाँ, तो इस पंचायत, इस गांव में को क्या समस्या है, इस गांव के लिए खासकर? गांव के लिए समस्या ये है कि बूढ़ा बूढ़ी को देखने का कोई ध्यान नहीं रहता है मुखिया सब को, किसका कैसा घर द्वार है, कैसा के अवस्था में है, अब छोड़ा रहे या बूढ़ा रहे या बूढ़ी रहे या बच्चा है, कोई बच्चा कल पैदा हुआ है विकलांग है, उसको क्या मुखिया लोगों को कि अपने स्तर से कुछ नहीं है, ऐसे ही मुखिया बन जाते हैं कुछ बिना सोच समझ के ही, अपने स्तर से 1,000, 10,000, 5,000 क्या नहीं उसको मदद कर सकते हैं बच्चे को, किसी का बच्चा विकलांग अगर पड़ा हुआ है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना, अपना गाड़ी ला के या उसको थोड़ा मदद करना, देखभाल करना, और तो भगवान दिया है तो उसको कम से कम उसका माए बाप तो नहीं सकता है गरीब आदमी, तो उसको हमारे पंचायत या गांव का राजा तब उसको मिटाएगा। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि वैसे लोग वोट देंगे जो हो, चाहे दिव्यांग हो, पेंशन के लिए चाहे सहायता हो, और पंचायत में सत्यवादी हो वही मुखिया जीत दिलाएंगे।